जयपुर से खबर सामने आ रही है, स्कूल शिक्षा परिवार के सदस्य पहुंचे हैं सिविल लाइंस, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलने की मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा का बयान सामने आया और कहा कि 3 साल से लंबित पड़ी मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही। अनिल शर्मा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की भी कोशिश की है। और तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जयपुर की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से स्कूल शिक्षा परिवार के सदस्य पहुंचे हैं सिविल लाइंस और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलने की ये मांग कर रहे हैं। परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा का बयान, 3 साल से लंबित पड़ी मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही, और ये भी कहा उन्होंने कि वो मिलना चाहते हैं, खुद आत्मदाह की भी कोशिश की है पेट्रोल डालकर। और तस्वीरें इस वक्त जयपुर से सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जयपुर की ये तस्वीरें हैं, स्कूल शिक्षा परिवार के सदस्य पहुंचे हैं सिविल लाइंस और बीडी कल्ला से मिलने की लगातार मांग कर रहे हैं। अनिल शर्मा कह रहे हैं कि 3 साल से लंबित पड़ी मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अनिल शर्मा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की भी कोशिश की है। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है। और देखिए, हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से देखिए भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। सहयोगी अनूप भी लगातार इसी खबर पर नजर बनाए हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, मैं आपके पास आ रही हूँ, मंत्री बीडी कल्ला से लगातार मिलने की मांग कर रहे हैं तमाम लोग, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तस्वीरें और क्या स्थिति फिलहाल मौके पर मौजूद है आप? देखिए, अभी 5 मिनट पहले की घटना है, सिविल लाइंस के बिल्कुल पड़ोस के अंदर मंत्री जी का घर है बीडी कल्ला जी का, और इसी के पास के अंदर ही शिक्षा परिवार, शिक्षा स्कूल परिवार के सदस्य यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जो स्कूल शिक्षक परिवार के जो सदस्य हैं वो उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन इसी दौरान पुलिस और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने बीच बचाव करके उनको आग लगाने से बचा लिया, और वह उनको अभी पुलिस की गाड़ी में डाल करके SMS हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात है। इसी के साथ ही इसका शिक्षा स्कूल परिवार है उसके जो सदस्य हैं उनके अंदर काफ़ी यहाँ पर रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार बने हुए 3 साल हो गए लेकिन कोई भी मंत्री उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। वह कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, उनका जो RTE का पैसा है वो वापस नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने घोषणा पत्र में जो मांगे की गई थी वो उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। इसी के साथ ही शिक्षा स्कूल परिवार के जो सदस्य हैं वो अभी उनके अंदर रोष व्याप्त है, वो अभी भी मौके पर ही खड़े हुए हैं। वो उन्होंने ऐलान करा है कि जितनी भी प्राइवेट स्कूल के जितने भी उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो सिविल लाइंस फाटक पर आवें, ये अपने सिविल लाइंस पर आवें और यहाँ आकर के इस संगठन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी यहाँ पर कार्य जो पदाधिकारी है वो जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके की उनकी मांग है। हाँ सर, आज की घटना किस तरीके की घटना घटी थी? सर मैं बताऊँ आपको, 3 साल हो गए सर, जब सरकार ने घोषणा पत्र बनाया था अपना, उस घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि प्राइवेट स्कूलों का कल्याण बोर्ड बनाएंगे। हम 3 साल से प्रत्येक मंत्री के पास में, MLA के पास में, हमारे क्या नाम से क्षेत्र के MLA के पास में, मंत्री महोदयों के पास में, क्या नाम से शिक्षा मंत्री महोदय के पास में, सबके पास में जाकर के सर हमारा कल्याण बोर्ड बना दो, हमारा कल्याण बोर्ड बना दो। हमने गए चुनावों के अंदर भी सरकार का खूब सहयोग किया, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाकर के प्राइवेट स्कूल वालों ने जाकर के और सरकार का क्या नाम से सहयोग किया, और उसके बावजूद भी आज 3 साल पूरे होने को आए लेकिन हमारा कल्याण बोर्ड नहीं बना। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सर RTE का भुगतान 3-3 साल से भुगतान अटका हुआ है, क्यों? गांव के अंदर जो प्राइवेट स्कूलें चलती है बेचारी उन गरीब बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने RTE का भुगतान नहीं किया। कभी 25% की बात करते हैं, कभी क्या नाम से 60% की बात करते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कुल मिलाकर के RTE का भुगतान देना ही नहीं चाहती। तीसरी बात, ठीक है अनूप, मैं लौटूंगी आपके पास, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं उन तमाम लोगों से, क्या कुछ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 साल से मांगे लंबित पड़ी है लेकिन इन पर अभी तक ध्यान